हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में क्लास टेन फिजिकल साइंस के लाइट चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाला हूं जो कि माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्वेंटी फाइव बताने वाला यानी कि ट्वेंटी फाइव बताने वाला हूँ और उम्मीद है कि इन्हीं ट्वेंटी फाइव में से ही आपके माध्यमिक परीक्षा टू में होंगे तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी हेल्पफुल वीडियो है और वैल्यूएबल वीडियो है चलिए एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं रियर व्यू फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स इज ऑप्शन ए पैराबोलिक ऑप्शन बी प्लेन ऑप्शन सी कॉन्केव ऑप्शन डी कॉन्वेक्स तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स क्वेश्चन नंबर टू मिरर यूज फॉर सेविंग इज ऑप्शन ए कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी प्लेन ऑप्शन डी पैराबोलिक वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर थ्री रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अफ स्पेरिकल मिरर इज ऑप्शन ए आर इज इक्वल टू टू एफ ऑप्शन बी आर इज इक्वल टू एफ बाई टू ऑप्शन सी आर इज इक्वल टू थ्री एफ ऑप्शन डी आर इज इक्वल टू एफ वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर इज इक्वल टू टू एफ क्वेश्चन नंबर फोर वट टाइप ऑफ मिररर गिव्स मैग्निफाइड एंड रियल इमेज ऑप्शन ए कॉन्केव ऑप्शन बी कॉन्वेक्स ऑप्शन सी प्लेनो कॉन्वेक्स ऑप्शन डी प्लेन वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर क्या होगा सोचिए वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव कॉनकेव मिरर ही जो है मैग्निफाइड यानी इनलार्ज और रियल इमेज देगी कब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ओके okay. तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव क्वेश्चन नंबर फाइव मिरर यूज फॉर हेडलाइट ऑफ कार इज ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव। ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स ऑप्शन नंबर सी प्लेन ऑप्शन नंबर डी पैराबोलिक सोचिए इसका आंसर क्या होगा वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर सिक्स विच मिरर इज कॉन्वर्जेंट ऑप्शन ए कॉन्वेक्स ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी प्लेन ऑप्शन डी प्लेनो कॉन्वेक्स सोचिए और इसका आंसर बताइए वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर सेवन विच लेंस इज डाइवर्जेंट ऑप्शन ए कॉन्वेक्स ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी प्लेन ऑप्शन डी पैराबोलिक वेरी गुड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है ओके क्वेश्चन नंबर एट व्हेन डज अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑप्शन नंबर ए व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड एफ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बियॉन्ड सी ऑप्शन नंबर सी व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन एफ एंड पी ऑप्शन नंबर डी वेन ऑब्जेक्ट लाई एट एफ तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी वेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट को के और पी यानी पोल और फोकस, फोकस के बीच में रखते हैं तो मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज हम लोग को देता है ओके okay? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑप्शन ए सेम फॉर ऑल कलर्स ऑप्शन बी मैक्सिमम फॉर रेड कलर ऑप्शन सी मिनिमम फॉर रेड कलर ऑप्शन डी नन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वेरी गुड मिनिमम फॉर रेड कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो रेड कलर के लिए कम होते हैं ओके okay? तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनिमम फॉर रेड कलर क्योंकि रेड कलर ज़्यादा डेविएट नहीं होता है ओके इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनिमम फॉर रेड कलर क्वेश्चन नंबर टेन वेन रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट डेविएट्स ऑप्शन ए अवे फ्रॉम नॉर्मल ऑप्शन बी टूअर्ड्स नॉर्मल ऑप्शन सी पास ऑप्शन डी नन सोचिए इसका आंसर क्या हुआ वेरी गुड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवे फ्रॉम नॉर्मल जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे लाइट लाइट जाएगी तो नॉर्मल से लाइट दूर हो जाएगी ओके और जब रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो लाइट नॉर्मल के पास आ जाएंगे यानी कि टू आर्स नॉर्मल हो जाएंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवे फ्रॉम नॉर्मल क्वेश्चन नंबर एलेवन वेन लाइट पास फ्रॉम वैक्यूम टू आ मीडियम इट्स वेलोसिटी ऑप्शन ए इंक्रीज ऑप्शन बी Decrease, ऑप्शन सी रिमेन सेम ऑप्शन डी नन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि लाइट जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाते हैं तो उसकी वॉलिसिटी बढ़ जा बढ़ जाती है इंक्रीज डिक्रीज घट जाती है या रिमेन सेम सेम रहती है ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं तो देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में है तो वैक्यूम को छोड़कर कोई भी अगर मीडियम हो तो वो डेंसर मीडियम होंगे क्योंकि वैक्यूम एक रेयर मीडियम है ठीक है वैक्यूम को छोड़कर जितने मीडियम में जाएंगे आप डेंसर मिलेंगे अगर आप दो मीडियम लेंगे एक वाटर और एक एयर तो एयर रेयर हो जाएंगे अगर आप आ, किसी भी मीडियम को आप अगर वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो वैक्यूम हमेशा रेयर मीडियम होगा ओके तो वैक्यूम एक रेयर मीडियम है चाहे आप कोई भी मीडियम के साथ कंपेयर कीजिए तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है तो अगर वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाए तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी वेरी गुड घट जाएगी यानी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ कॉन्वेक्स लेंस इज आ ऑप्शन ए डाइवर्जिंग लेंस ऑप्शन बी कॉन्वर्जिंग लेंस ऑप्शन सी नेदर कॉन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग ऑप्शन डी नन सोचिए इसका आंसर क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ओके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लाइटली नहीं लीजिएगा टेक इट सीरियसली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कॉन्वर्ट करते हैं इसीलिए यहां पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉन्वर्जिंग लेंस क्वेश्चन नंबर थर्टीन पावर ऑफ लेंस इनक्रीजेज वन ऑप्शन ए फोकल लेंथ इंक्रीज इंक्रीजेस ऑप्शन बी फोकल लेंथ डिक्रीजेज ऑप्शन सी डज नॉट डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑप्शन डी वैन रेडियस ऑफ करवेचर इंक्रीजेज तो देखिए पावर ऑफ लेंस उस वक्त बढ़ेंगे जब फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो जाएंगे ओके okay. माओपिया बीमारी क्यों होता है क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है डिक्रीज हो जाते हैं आंख में ओके इसलिए माओपिया नामी बीमारी होती है फोकल लेंथ डिक्रीज होने से पावर लेंस के पावर लेंस की पावर जो है बढ़ जाएगी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ लेंस इज इक्वल टू ऑप्शन ए फोकल लेंथ ऑप्शन बी एफ बाई टू ऑप्शन सी टू एफ ऑप्शन डी टू पॉइंट फाइव एफ तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है टू एफ फोकल फोकल लेंथ का दो गुना यानी आर इज इक्वल होता है तो टू एफ ऑप्शन नंबर सी में है ओके इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मायोपिया इज़ आ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच आ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑप्शन ए आ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑप्शन बी नियर ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नन तो देखिए जब मायोपिया नामी बीमारी होती है किसी आदमी के आँख में तो वह आदमी करीब के चीज़ों को देख पाता है दूर के दूर, दूर के चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं ओके okay, इसीलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियर एयर ऑब्जेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म एट देखिए अभी क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी ऑप्शन ए फोकस ऑप्शन बी एट टू एफ ऑप्शन डी बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑप्शन डी बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर वीडियो को पॉज कीजिए और आ, आंसर देने की कोशिश कीजिए वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोकस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहने से वो रे मतलब वहां से रेप पैरल आएंगे और पैरल कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे फोकस में इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी ओके इसलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर फोकस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द ह्यूमन आई लेंस बिहेव्स लाइक आ ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस ऑप्शन सी प्लेनो कॉन्वेक्स ऑप्शन डी नन वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए वेरी गुड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है ओके okay? और अगर आपके इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ना रहे और ये ऑप्शन रहे मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन ना रहे आपका अगर ऑप्शन रहे बाई कॉन्वेक्स लेंस तो आंसर होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस भी होगा तो यहां पर बाई कॉन्वेक्स तो नहीं है यहां पर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है ऑप्शन में तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर एटीन विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिक आई ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन नंबर बी कॉन्केव लेंस ऑप्शन नंबर सी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन नंबर डी नन तो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस को यूज किया जाता है सोचिए वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी कॉन्केव लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेयर इज द इमेज फॉर्म विद इन द आई ऑप्शन ए रेटिना ऑप्शन बी कोर्निया ऑप्शन सी आइरिस ऑप्शन नंबर डी ब्लाइंड स्पॉट सोचिए और आंसर दीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए रेटिना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द लीज डिस्टेंस ऑफ विजन इज ऑप्शन ए फिफ्टीन सेंटीमीटर ऑप्शन बी एटीन सेंटीमीटर ऑप्शन सी ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए बोलिए क्या आंसर होगा वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हमारे नॉर्मल आई जो है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम लोग साफ साफ देख पाएंगे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अ ग्लास प्रिज्म विल डेविएट अ रे ऑफ लाइट ऑप्शन ए टुवर्ड्स इट्स बेस ऑप्शन बी अवे फ्रॉम इट्स बेस ऑप्शन सी इट्स बेस ओनली इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर देन डेड ऑफ ग्लास ऑप्शन डी नन वीडियो को पॉज कीजिए ऑप्शन सबको देखिए और आंसर बताइए वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सारी सोच रहे थे शायद कि ऑप्शन नंबर ए होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगर आप ऑप्शन नंबर सी है, सोचे हैं तो बिल्कुल राइट है वेरी गुड और अगर ए सोचे हैं तो बिल्कुल गलत है फिर से क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं अ ग्लास प्रिज्म विल डेविएट अ ऑफ लाइट एक रे ऑफ लाइट को ग्लास ग्रा, प्रिज्म डेविएट करेगा टुवर्ड्स इट बेस हाँ बेस की तरफ तो करेगा ठीक है आव, अवे फ्रॉम इट्स बेस बेस से तो दूर नहीं जाएगा ये है है ठीक ऑप्शन सी टुवर्ड्स इट्स बेस ओनली इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्लास बेस के तरफ उस वक्त उस वक्त डेविएट करेगा जब सराउंडिंग मीडियम क्या हो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीडियम के रिफ्लैक्टिव इंडेक्स से कम हो यानी सराउंडिंग मीडियम रेयर रेयर मीडियम होना पड़ेगा तभी जो है बेस के तरफ क्या करेंगे रे ऑफ लाइट डेविएट करेंगे अगर सराउंडिंग मीडियम डेंसर मीडियम हो और ग्लास रेयर मीडियम रेयरर मीडियम हो जाए तो बेस की तरफ डेविएट नहीं करेंगे यानी अवे फ्रॉम इट्स बेस हो जाएंगे यानी बेस से दूर चले जाएंगे समझ पा रहे आप ओके तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूर्ड्स इट्स बेस ओनली इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज आ रिफ्लैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर देन डायट ऑफ ग्लास ग्लास से सराउंड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होना पड़ेगा तभी ग्लास uh, प्रिज्म के बेस की तरफ रे ऑफ लाइट डेविएट करेगी ओके चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ आ प्रिज्म इज थर्टी डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज ऑप्शन नंबर ए टू ऑप्शन नंबर बी रूट टू ऑप्शन नंबर सी थ्री बाई टू ऑप्शन नंबर डी थ्री बाई रूट टू वीडियो को पॉज कीजिए ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तुक्का लगाना चाहते हैं आप तो चलिए तुक्का मत लगाइए मैं आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा और वो बताता हूँ टेंशन मत लीजिए देखिए जब आपको मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे दिया जाएगा प्रिज्म का और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया जाएगा यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेवियम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया जाए तो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जहां पर यूज करेंगे आंसर सही आएगा ठीक है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है साइन इनटू यानी ब्रैकेट होगा एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय टू ओवरऑल बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाई टू इज इक्वल टू म्यू म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए तो साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को मैं डेल एम से डिनोट किया हूँ बाई टू बाई साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाई टू एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ओके इज इक्वल टू म्यू म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अब वैल्यू पुट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू है डिग्री तो यहाँ पर सिक्सटी डिग्री हम लोग एक जगह रख देंगे एक ही जगह हम लोग सिक्सटी डिग्री रखेंगे ओके और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो है वो है थर्टी डिग्री तो डेल एम की जगह थर्टी डिग्री होगा ओके बाय टू है तो टू बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री नीचे टू है तो टू इज इक्वल टू म्यू ओके और सिक्सटी डिग्री और थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा नाइनटी डिग्री तो साइन नाइन्टी डिग्री बाई टू ओके नीचे साइन सिक्सटी डिग्री बाई टू है तो साइन सिक्सटी डिग्री बाई टू ओके इज इक्वल टू म्यू है तो म्यू ओके okay, और अब देखिए नाइन्टी डिग्री को टू से अगर डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा फोर्टी फाइव डिग्री तो ऊपर हो गया साइन फोर्टी फाइव डिग्री नीचे सिक्सटी डिग्री को अगर टू से डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा थर्टी डिग्री तो इसीलिए नीचे साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू म्यू ओके और अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन uh, थर्टी डिग्री की वैल्यू uh, होती है हाफ साइन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू ओके तो हम लोग को ये वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो इसी क्लास में यानी टेंथ क्लास में आपको चैप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी से ट्रिग्नोम ट्रिग्नोमैट्रिक मिलेंगे और वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल जाएंगे उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएंगे ओके okay. टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइंठिता कौशिता सेक्टिता कौशिता कौठता टेंटिता ओके तो साइन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू होती है वन बाय रूट टू तो साइन फोर्टी फाइव डिग्री का जगह हम लोग लिख सकते हैं वन बाय टू और साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है हाफ यानी वन बाय टू तो साइन थर्टी डिग्री की जगह वन बाय टू यानी हाफ ओके इक्वल टू म्यू है तो म्यू और अब देखिए वन बाय रूट टू का वन बाय रूट टू और हाफ इंटू में उल्टा हो जाएगा यानी कि वन बाय टू है तो टू बाई वन होगा तो वन तो नीचे लिखना जरूरी नहीं है तो इंटू टू ओके अब अगर टू से वन को गुना करेंगे तो टू होगा टू बाई रूट टू ओके और अब देखिए नीचे रूट टू है तो इसको हम लोगों को क्या करना है हटाना है इसको रिमूव करना है तो नीचे रूट टू है तो रूट टू तो से गुना करेंगे तो जब नीचे रूट टू से गुना किए तो ऊपर भी रूट टू से गुना करना है ओके okay? तो अब अगर हम लोग ऊपर टू इंटू रूट टू करेंगे तो टू रूट टू हो जाएगा और नीचे रूट टू रूट टू गुना करेंगे तो टू हो जाएगा अब टू टू कैंसिल हो जाएगा तो म्यू इज टू क्या मिलेगा रूट टू मिलेगा ओके इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूट टू तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा के साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बाय टू ओवरऑल बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय टू इज इक्वल टू म्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वेन वाइट लाइट पासेज थ्रू आ प्रिज्म द कलर ऑफ द रे विच इज लीस्ट डिवेटेड इज ऑप्शन ए वाइलेट ऑप्शन बी ग्रीन ऑप्शन सी रेड ऑप्शन नंबर डी येलो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने कोशिश कीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है वेरी गुड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड रेड कलर जो है कम कम डेविएट होते हैं ओके okay? जब भी किसी प्रिज्म से या किसी ग्लास कलर से, से अगर हम लोग रेड लाइट को पास कराए और वायलेट लाइट को पास कराए और ग्रीन लाइट को पास कराए या येलो को या वीव्योर को ही पास करा दे तो सबसे कम डेविएट जो होगा वो रेड क्यों क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है तो जिसकी वेबलेंथ ज़्यादा होगी वो डेविएट कम होगा वो लाइट ओके okay, वो लाइट डेविएट कम होगी तो रेड लाइट की जो वेबलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट ग्रीन येलो ओके इसी वजह से रेड लाइट डेविएट कम होंगे और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होंगे वायलेट क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है ओके okay, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो डेविएट ज़्यादा होंगे और वो स्कैटर भी ज़्यादा होंगे स्कैटर जानते हैं ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब सूरज से लाइट आती है तो वो पार्टिकल से टकराते हैं तो लाइट हर एक डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन होते हैं वायलेट लाइट क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है इसलिए वो स्कैटर ज़्यादा होते हैं और इसीलिए वो दिन के वक्त जो है ज़मीन पे आ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से हम लोग को दिन के वक्त आसमान यानी स्काई ब्लू दिखता है ओके तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन होंगे या डेविएट कौन होंगे वायलट लाइट और सबसे कम स्कैटर और डेविएट कौन अ, कम सबसे कम स्कैटर और डेविएट कौन होंगे रेड लाइट सबसे ज़्यादा वायलेट सबसे कम रेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लीस्ट फॉर ऑप्शन ए रेड लाइट ऑप्शन बी येलो लाइट ऑप्शन सी ग्रीन लाइट ऑप्शन डी वाइट लाइट सेम क्वेश्चन है सोचिए थोड़ा सा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड लाइट रेड लाइट के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ओके okay, ग्लास के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट इज द रेंज ऑफ वेबलाइंस ऑफ एक्स रेज ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट वन एंगस्ट्रम टू टेन अंगश्रम ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट वन अंगस्ट्रम टू हंड्रेड अंगश्रम ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट वन एंगस्ट्रम टू थाउजेंड अंगस्ट्रम ऑप्शन नंबर डी नन वीडियो को पॉज दिए और आंसर दीजिए वेरी गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट वन अंगस्ट्रम टू हंड्रेड अंगस्ट्रम अच्छा अब आप लोगों मुझे जो है मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट में जरूर बताना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑफ यूवी रेज इसका आंसर मुझे में बताना है व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आंसर बताइएगा अगर आप लोग मेरे लाइट के चैप्टर के वीडियो देखे हैं तो आंसर कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये विच लेंस इज यूज्ड करेक्ट हाइपरमेट्रेपिया डिजीज इसका आंसर भी मुझे आप लोग कॉमेंट में बताना है और लास्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन इतने सारे आप लोग को नहीं दूंगा लास्ट क्वेश्चन यह है वेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विल बी ग्रेटर और विल बी लेस फ्रॉम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यह आंसर मुझे बताइएगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरल मीडियम की तरफ जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा होगा यह आप लोग मुझे बताना है कमेंट में ओके okay? तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिला और आप कितना जानते हैं पता चल गया अगर आपने सभी क्वेश्चन का आंसर लगभग ट्वेंटी है अगर आपने ट्वेंटी में से ट्वेंटी का आंसर सही दिया है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही है लेकिन और भी आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और भी अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है आपको ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फ़ाइव आंसर करना है एक भी आंसर छूटना नहीं चाहिए तो और भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हम लोग इस तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे तो अगर आप हमारे चैनल से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ तो वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके बाई डियर स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन कमेंट में आंसर बताना नहीं भूलेगा जो मैंने तीन क्वेश्चन बताया ओके बाय